नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के साथ कामुक शेडू। जम्मू को स्मार्ट बनाना है, ये हमारे मेयर साहब का सपना है और तमाम जितने भी लीडरांस हैं उनका सपना है और जम्मू कश्मीर की जनता का भी सपना है कि हमारा जम्मू कश्मीर स्मार्ट बने, और उसके लिए हर एक कोशिश की जा रही है। ये देखो ना, मेरे पीछे कितने बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए हुए हैं, लोकेशंस बताई जा रही है कि यहाँ पे ये वाला टेम्पल है, यहाँ पे सेक्रेट है, रणवीश्वर टेम्पल यहाँ पे है, और नीचे लिखा है जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, खंड मीठे लोग डोगरे, जहाँ पे हर जगह चल रहा है। और ठीक उसी के बिल्कुल नीचे मैं खड़ा हूँ और स्मार्ट सिटी के कुछ ऐसे दृश्य दिखाना चाहूँगा जिसको देख के आप भी चौंक जाएंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस तरफ ज़रा पैन करके बताइए। लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये नाले को तोड़े हुए। ये नाला आप देख सकते हैं क्या हालत है, और यहाँ से तमाम टूरिस्ट भी जाते होंगे क्योंकि ऊपर रणवीश्वर टेम्पल है और यहाँ से ही वापस उन्होंने जिस डेस्टिनेशन से आ रहे हैं वापस यहाँ से ही जाना है। तो ये जो है एक साल से ज़्यादा जो है वो टूटा हुआ है। यहाँ पे जो लोकल्स हैं, मार्केट वाले हैं, उन्होंने बात करने की कोशिश भी की और उनको हर बार आश्वासन मिला कि नहीं जनाब, हम ये जो है नाला जल्द से जल्द ठीक करवा देंगे। लेकिन ये नाला ऐसे खुला है, ना जाने कितनी मक्खियाँ मच्छर जो हैं इस पर मंडरा कर लोगों के खाने में बैठ रहे होंगे, कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो इसके कारण फैल रही होंगी। कुछ यहाँ पर लोकल लोग हैं जो इनकी यहाँ पे दुकानें हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, कितनी देर से आपने, जिस तरीके से बताया साल से ज़्यादा होने वाला है, आपने कितनी बार किए हैं? पिछले जून महीने ये खुला था, मतलब जो निकाला था इसमें मलबा चलवा जी, अब उसके बाद तो मलबा डल रहा है, गंद डल रहा है, रोज़ हर दिन लोग बाहर से उठा के लाते हैं और इधर फेंकते हैं, मक्खी मच्छर गंदगी स्मेल सब है इधर, तो कोई सुनने वाला नहीं। आपने बात नहीं की मेयर साहब से? की नहीं, मेयर साहब से तो नहीं की, लेकिन जो स्थानीय जहाँ के कॉरपोरेटर हैं उनसे ज़रूर की है। वो क्या कहते हैं? वो कह रहे थे बन जाएगा, ये पहली बार नहीं, ये बहुत बार कहा है बन जाएगा। ये लास्ट कब से कह रहे बन जाएगा? यार जब ये टूटा था तब से हम पीछे लगे हैं, क्योंकि हम परेशान हैं, रोज़ हमारी इधर साथ में शॉप है तो रोज़ परेशान है, तो हम कोशिश करते ही रहते हैं उनके कहने की, कभी फ़ोन करते हैं, कभी सामने आए तो बोल भी देते हैं, तो लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ये भाई साहब की ये साथ वाली दुकान है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू शर्मा। कितनी दिक्कतें आती है जब से ये टूटा हुआ है? सर, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। बगल में शॉप है हमारी, शाम को यहाँ पे बैठा नहीं जाता है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, मेन चौक में, इंदिरा चौक मेन चौक में, यहाँ से बिल्कुल सामने से आप देखेंगे तो सारा टूरिस्ट यहाँ से निकलता है और उसी चौक के अंदर ये एक साल से टूटा पड़ा है जिसकी इन्होंने अभी तक कोई मरम्मत नहीं की है। और हम जल्द से जल्द इनसे कहना चाहते हैं, छोटे बच्चे वगैरह यहाँ से जाते रहते हैं, कोई गिर जाएगा, कोई गाड़ी वगैरह, गाड़ी लगी हुई है, कोई गाड़ी गिर जाए कौन जिम्मेवार रहेगा? कम से कम इनको सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए, कि जो दिक्कतें आ रही है, जो स्मेल है, इतनी स्मेल है, शाम के टाइम यहाँ पे तो बैठा ही नहीं जाता है, मच्छर है यहाँ पर, कोई हिसाब नहीं। और ये जो कॉर्पोरेटर है जहाँ का, उसने तो देखा भी नहीं, मतलब कि इसको तोड़े, इसको बनाना भी है। जे पहले तो हमने बनाया था, जे म्यूनसिपैलिटी कमेटी वालों ने कोई पैसा नहीं लगाया, हमने पहले अपने अपने पैसों से बनाया था, हमने सबने ये इसको बंद कराने के लिए हमने सब कुछ किया, लेकिन बाद में इन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इनको बनाना चाहिए था, ये तो कमिश्नर को देखना चाहिए, मेयर भी जहाँ से गुजरते हैं सब ही गुजरते हैं, इन लोगों को शर्म ही नहीं है कोई भी। हम तो शाम को बैठ नहीं सकते, इतने सारे मोटा मच्छर है यहाँ पर। सामने शालामार हॉस्पिटल है, सेक्रेट रोड यहीं पे है, बस स्टैंड यहाँ पे है, टूरिस्ट सारा यहीं से निकल रहा है, हर चीज़ है, लेकिन इनको चाहिए कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें कि आम लोगों, आगे गर्मी आ रही है, डेंगू का खतरा है, हर चीज़ है, शाम को इतना मच्छर होता है यहाँ पे, बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता। नहीं, इतनी प्रोजेक्ट आ रहे स्मार्ट सिटी के, बीसी रोड बनाया, वर्टिकल गार्डन सब कुछ बना, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए, ये फुटपाथ बनाइए, देखो ना कितना गंद पड़ा, जी किसी ने सफाई नहीं की है, जहाँ पर तो जमादार भी नहीं आता है सफाई करने के लिए, इनको चाहिए देखना चाहिए।
कहने के मतलब इनको देखना चाहिए, क्या देखना, हमने तो इतनी मिनट से इसको बनाया था अपने पैसों से, फिर उन्होंने तोड़ा कारपोरेटर ने, उसको पता नहीं है कि जहाँ पर उनको फंड से मतलब पैसे लाकर बनाना चाहिए, वो तो मिलता भी नहीं है यहाँ से, ना कोई चक्कर लगाते हैं, यही है बोल्ड बोर्ड लिया तब बन गया तो बस घर में बैठ गया। तो आपने उसके बाद बोला उनको कि सब कुछ बोला सर, हमने बड़े फ़ोन किए उनको, कहते हैं कि फंड नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, आप उसका कसूर थोड़ी हमारा कोई, ये पैसे हमने लगाए थे। मेयर साहब के पास जाने की कोशिश की आपने? किसके पास जाने की? मेरे पास, मेयर जहाँ से गुजरा था एक दिन, उसने उसको नहीं दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर ये कितना टूटा जी, कितना खतरनाक है जी, बिल्कुल पैदल पैदल यात्रा होती है, पैदल यात्रा करते हैं इधर से, एक साल लगभग एक साल हो गया इसको टूटे हुए, हम देख रहे हैं दुकानदार बेचारे सब परेशान है, इधर आप देखते हैं इतनी स्मेल, और शाम के टाइम मच्छर नाले का जितना गंदगी है बीच से निकलती है और ऊपर इसकी जो स्मेल है ऊपर आती है, तो सारे दुकानदार यहाँ परेशान है। दुकानदारों कस्टमरों को भी दिक्कत आती होगी? वो तो आती है सर, देख लो आने में इधर कितना मतलब रश होता है शाम को, मतलब कहने का मतलब होता है काम से इसमें आपके फर्क पड़े? वो तो फर्क पड़ा, हम 6:30 बजे चले जाते हैं दुकानें बंद करके, इधर तो बड़ा रश होता है यहाँ पर जी, इसलिए इनको देखना चाहिए, कमीशन को देखना चाहिए कि इनको ये इसको ठीक करवाएं, जहाँ कुछ आए चक्कर लगाए, किसी को चक्कर लगाता है कोई नहीं, यहाँ पर दिखता कोई नहीं है। तो साफ तौर पर इस एक टूटे हुए नाले के कारण, मैं एक बार फिर से पैन करने को कहूँगा, इन लोगों के रोजगार में भी फर्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कस्टमर आता नहीं है, रुकता नहीं है, क्यों? क्योंकि नाले से बहुत स्मेल आती है, मोटे मोटे मच्छर निकलते हैं जिनकी वजह से इनको अपनी दुकानें बंद करने पड़ती है। मेयर साहब भी यहाँ से गुजरते हैं, बहुत म्यूनसिपल कमेटी के जो है वो यहाँ से लोग गुजरते हैं, लेकिन यहाँ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जम्मू को हाइजीन बनाने के लिए या गंदा ना हो उसके लिए पॉलीथीन ड्राइव चलाई जा रही है कि जो भी है कम माइक्रोन्स वाला पॉलीथीन जो होगा उसको सीज कर लिया जाएगा, रेडी को सीज कर लिया है, इवन कि यहाँ पे ही नीचे लोगों को मारा भी जा रहा था, जो आम रेडी वाले थे उनको मारा भी जा रहा था, लड़ाइयाँ भी देखने को मिली, आपने देखा होगा तमाम चैनल। लेकिन जो जनता की जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पे ज़मीनी स्तर पर आके जनता का साथ देना चाहिए, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कहा जा रहा है फंड्स नहीं आ रहे, जब आएंगे हम ठीक करा देंगे। पिछले साल जून से लेकर अभी तक क्या बिल्कुल फंड नहीं आए? जो इन्होंने अपना बनवाया था वो भी तोड़ दिया, मतलब कि आप चाहते क्या है कि जम्मू पे जो एक आप एक तरफ इतने बड़े बड़े बोर्ड्स लगा रहे हैं स्मार्ट सिटी के, दूसरी तरफ आप ये हालत कर रहे हैं? फिलहाल इस तरफ आपको आके देखना चाहिए और आम जनता को कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है वो भी देखना चाहिए। अगर आम जनता आपको सिलेक्ट कर सकती है तो आम जनता आपको गिरा भी सकती है, इसीलिए आम जनता के बनकर रहिए, ताकि आने वाले समय में फिर से अगर आप वो चेयर चाहते हैं तो उन चेयर पे आपको आम जनता ही पहुंचाएगी। बन रही है हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।